नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हम वतन टीवी, मैं हूं आपके साथ अजय कुमार। मंगलवार को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली। इसी पेरिस में दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 11 में भी भक्ति के माहौल में सराबोर लोगों ने भव्य यात्रा निकाली। यह यात्रा रोहिणी सेक्टर 11 से शुरू हुई, जिसके बाद विभिन्न चौक चौराहों से होती हुई रोहिणी सेक्टर 9 पर समाप्त हुई। इस रथ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में युवा, बच्चे और बुजुर्गों की भागीदारी भी देखने को मिली। देश भर के विभिन्न स्थानों पर मंगलवार को धूमधाम के साथ जगन्नाथ यात्रा निकाली गई। इस उपलक्ष्य में दिल्ली में भी कई इलाकों में भगवान जगन्नाथ की भव्य शोभा यात्रा का नजारा देखने को मिला। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 11 में भी भगवान जगन्नाथ के भक्तों ने धूमधाम के साथ शोभा यात्रा निकाली। ये शोभा यात्रा रोहिणी सेक्टर 11 से शुरू हुई, जिसके बाद विभिन्न गलियों और चौक चौराहों से होती हुई रोहिणी सेक्टर 9 पर समाप्त हुई। इस दौरान भक्तों में भगवान जगन्नाथ के प्रति भक्ति देखते ही बन रही थी। वहीं दूसरी ओर भक्तों द्वारा इस रथ को बेहद ही खूबसूरती के साथ सजाया गया था, जो सभी के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र बना। इस यात्रा के दौरान क्या बच्चे, क्या युवा और क्या बुजुर्ग, सभी भक्ति के रंग में सराबोर दिखाई दिए। और हमारा ये मंदिर जगन्नाथ मंदिर सेक्टर 11 रोहिणी है, ये लगभग 20 साल से यह यात्रा हम निकालते आ रहे हैं। आज श्री जगन्नाथ भगवान जी इस मंदिर से चलकर अपनी मौसी के घर सेक्टर 9 के लक्ष्मीनारायण मंदिर में रुकेंगे। मंदिर में भगवान 7 दिन प्रस्थान करेंगे अपनी मौसी के घर, और उस कार्यकाल में इस मंदिर की स्मृति और भगत जन निरंतर रोज शाम को कीर्तन करेंगे, और उसके पश्चात वहाँ लंगर सभी भक्तों का होता है हर वर्ष, इस बार भी ऐसा ही होगा। रथ यात्रा में मैं बचपन से ही देख रखा है कि कैसे क्या क्या होता है, तो मेरे को समझ है इस जो ये रथ यात्रा है हमारे कल्चर से रिलेटेड है, तो मेरे को हर चीज़ के यहाँ पे समझ है कि क्या क्या होता है। इस तरह से वो पॉजिटिव बहुत वाइब्स आती है, मेरे को तो पॉजिटिव वाइब्स आई है। और इस यात्रा में होता है बेसिकली कि जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और उनकी बहन सुभद्रा जी, इन तीनों को मंदिर से लेकर जाते हैं अपनी मौसी के घर, और इस यात्रा के दौरान वो अपने भक्त जन से इंटरेक्ट करते हैं। ये यात्रा जगन्नाथ पूरी की तरह ही करना चाहिए, पिछले 3 साल से हम लोग यहाँ करते हैं। पूरा उड़िया समाज और यहाँ के लोकल पब्लिक भी हम लोग यहाँ से हमारे यहाँ मंदिर से है लगा कि सेक्टर 9 सत्यम शिवा मंदिर का जाता है, मंदिर के नाम भी जाना जाता है। और सर, आज की यात्रा में युवाओं का क्या भागीदार, क्या योगदान देखने को मिल रहा है? यहाँ युवा वॉलंटियर से हर चीज, वहाँ युवा हेल्प करते हैं, वहाँ युवा बुजुर्ग सब लोग अच्छी हेल्प करते हैं। आपको बता दें कि इस बार भगवान जगन्नाथ की 140वीं यात्रा निकाली गई। इस यात्रा को लेकर ऐसी मान्यता है कि भगवान अपने गर्भगृह से निकलकर प्रजा का हाल जानने के लिए निकलते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपनी मौसी के घर जाते हैं। यह यात्रा पूरी जगन्नाथ मंदिर से रथों पर निकाली जाती है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इस रथ यात्रा से 15 दिन पूर्व भगवान जगन्नाथ एकांत में रहते हैं। इस अवधि के दौरान भक्तों के लिए भगवान के दर्शन के लिए मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।